हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके SSSC का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जो कि संबंधित है अधिसूचना के संदर्भ में। और ये दोस्तों अधिसूचना है जो आपका मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग के फॉर्म आए हुए थे उसमें संशोधन का अवसर दिए जाने के संबंध में। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जुलाई माह में आपका पुलिस दूरसंचार मुख्य आरक्षी का एग्ज़ाम पेपर होने की संभावना थी। तो जुलाई में होगा या जुलाई लास्ट तक हो जाएगा, या तो दोस्तों आपका अगस्त स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा। तो जिन भी दोस्तों ने मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग का फॉर्म भरा हुआ था उन लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है दोस्तों, ये कि उनके एग्ज़ाम की डेट जो है वह फाइनल होने वाली है। इसी कारण विभाग के द्वारा आपको संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। अगर आप में से जिन भी दोस्तों ने विज्ञापन संख्या 44/UK SSSC जिसका फॉर्म दिनांक 3 जनवरी 2022 को निकला था, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग का फॉर्म भरा हुआ है, तो अगर आपके पूर्व में भरे गए या विज्ञप्ति के सापेक्ष भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई भी प्रॉब्लम थी या कोई भी दिक्कत थी तो उसमें संशोधन का अवसर दिया गया है। यानी कि आपकी कैटेगरी गलत थी या आपने अपना नाम गलत भर दिया था, क्वालिफिकेशन गलत भर दी थी या कोई भी अदर आपकी त्रुटि थी, तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि उक्त पदों की लिखित परीक्षा जुलाई माह 2022 में प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से संबंधित आवेदन पत्र में संशोधन या सुधार का अवसर दिया जा रहा है। अभ्यर्थी आज दिनांक 8 जुलाई 2022 से दिनांक 14 जुलाई 2022 के मध्य, यानी कि 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक आपका टाइम है दोस्तों। आप परीक्षा केंद्र के विकल्प को छोड़कर अन्य जो भी विकल्प हैं उनमें संशोधन कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, जन्मतिथि है, लिंग है, आरक्षित श्रेणी या उप श्रेणी में भी आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रविष्टियों का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है। परीक्षा केंद्र के विकल्प पर संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। संशोधन के लिए ऑनलाइन लिंक में दिए गए प्रारूप को देखकर उसका उपयोग करें। अन्य प्रविष्टियाँ आवेदन पत्र में नीचे सीधे संशोधित की जा सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को दोस्तों संशोधन कर सकते हैं। और आपको संशोधन करने के लिए आयोग की वेबसाइट SSSC.UK.Government.in पर जाना है, OTR लॉगिन पर आपको जाना है। उसके बाद में आपको एडिट ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पे ₹30 का फॉर्म भरकर दोस्तों आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को पता है पुलिस दूरसंचार या मुख्य आरक्षी का जो आपका एग्जाम पेपर है वह जुलाई माह में प्रस्तावित है। जुलाई लास्ट तक आई होप आप लोगों का एग्जाम पेपर हो जाएगा या अगस्त स्टार्टिंग में तो आप लोगों का एग्जाम पेपर हो ही जाएगा। और जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर आपका दोस्तों जुलाई माह में होना था वो जुलाई माह में नहीं हो रहा है दोस्तों, वो आपका सेप्टेम्बर या अक्टूबर माह में होगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए एक खुशखबरी भी आप ये कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर माह में आपका एग्जाम पेपर होगा। और थोड़ा सा आपका एग्जाम डिले भी हो गया है, तो जिन लोगों की तैयारी नहीं है उनको तैयारी करने का समय भी मिल गया है। बाकी दोस्तों लैब असिस्टेंट का जो आप लोग एग्जाम पेपर कह रहे थे, तो लैब असिस्टेंट का एग्जाम पेपर आप लोगों का अगले महीने यानी कि अगस्त के माह में होने वाला है, तो आप इसके लिए भी अपनी तैयारियां करते रहें। बाकी दोस्तों LT का रिजल्ट जल्द ही आपका आ जाने वाला है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जल्द ही आ जाएगी। इसी के साथ साथ बहुत से अभ्यर्थी वन दरोगा के फाइनल रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वन दरोगा का फाइनल रिजल्ट भी आपका आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग दोस्तों तैयारी करते रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।